लुधावली स्थित गौशाला बना गौ माताओं की मौत का केंद्र। गौशाला में नहीं मिल रहा सही पोषण आहार। नगर पालिका की देखरेख की पड़ रही कमी। कैबिनेट मंत्री के निर्देश के बाद भी नहीं दे रहे अधिकारी ध्यान। खबर शिवपुरी से, जहां लुधावली में स्थित गौशाला में लगातार गौ माता की मौतों की खबर सामने आ रही है। यहां रोजाना गौ माताओं की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, ना ही जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। लगातार सर्वे होता रहता है, गौशाला में कितनी गाय हैं इसकी देखरेख में भारी भरकम कमी देखी जा रही है। इसके चलते गौ माताएं दम तोड़ देती हैं और ना ही उनको सही समय पर उपचार मिल पाता है। इस कारण उनकी हालात काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और उनकी हालत बिगड़ कर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। कैबिनेट मंत्री लगातार गौशाला को लेकर सख्त रहते हैं, परंतु प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। आज बजरंग दल की टीम जब गौशाला पहुंची तो उन्हें भी तमाम खामियां मिली। उन्होंने भी इस बात को लेकर दुख जाहिर किया। देखिए क्या कुछ कहा बजरंग दल के लोगों ने। गौशाला या गौ हत्या का केंद्र, आज हम खड़े हैं गौशाला में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पहले भी हम लोगों ने आज से लगभग 25 दिन पूर्व भी हमने इस मामले को उठाया था, आज फिर वही मामले को हम उठा रहे हैं। गौशाला या गौ हत्या का केंद्र, शिवपुरी की लुधावली गौशाला में लगभग आज से दो दिन पूर्व की गई जनगणना के अनुसार 237 गाय उपलब्ध है, लेकिन अगर हम विगत 10 दिनों की बात करें तो प्रतिदिन 2, 3, 4, 5 तक के आंकड़े गायों की मौत के सामने आ रहे हैं। आखिर कौन है इनका जिम्मेदार? गौ को हम माता मानते हैं, तो क्या इस माता का जिम्मेदार कौन है इसकी हत्या का? क्यों नहीं होनी चाहिए इस गौ हत्या पर सजा? इस मामले को लेकर आज बजरंग दल ने भी यहां पर आकर स्थितियों का जायजा लिया, तो बात करते हैं उन लोगों से कि क्या स्थिति उनको मिली। यहां पर आप आ जाए, आप लोगों ने यहां पर स्थितियां देखी, क्या लग रहा है आपको, गौ हत्या हो रही है कि नहीं? प्रॉपर तरीके से गौ हत्या का ही मामला बनता है और इसमें जिम्मेदार है नगर पालिका मुख्य रूप से, जो इसकी व्यवस्था देख रही है, और उसमें यहाँ एक ग्राम भी दाना उपलब्ध नहीं है, जबकि हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 रुपये प्रति गाय भूसे के लिए और 5 रुपये प्रति गाय दाने के लिए। हालांकि 5 रुपये प्रति गाय दाना पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो 5 रुपये का दाना जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, और जब कभी भी आते हैं या और पहले भी हमने पता करने की कोशिश की है कि भाई कितना दाना आया, कितना दे रहे हो, तो वो बताते हैं कि दाना था चोरी हो गया। चाहे जब तो चोरी हो जाता है, और मूल बात यह है कि दाना तो आता ही नहीं है। और यहाँ पर कितने स्टाफ की उपलब्धता नगर पालिका द्वारा कराई गई? नगर पालिका द्वारा यहाँ रजिस्टर हमने अभी देखा था, उस रजिस्टर में 11 कर्मचारियों के नाम अंकित हैं, और मौके पर यहाँ जब भी आते हैं तब तीन से ज़्यादा कभी उपलब्ध नहीं मिलते। वो साइन करते हैं और तनख्वाह नगर पालिका उनको निकालती रहती है, और किसी भी मवेशी अगर बीमार होने पर उसको मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बजरंग दल गौ संरक्षण गौ मोर्चे पे बहुत काम करता है, भाजपा की सरकार है, भाजपा भी गौ को माता मानती है और तमाम तरीके के कार्यक्रम गौ माता को लेके होते रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी गौ हत्या का है आरोप जो हम लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, क्योंकि गौ हत्या तो है ही, प्रतिदिन 2, 3, 4, 5